प्लस वन क्लास बेटे, मैंने आपको क्वेश्चन कराया हुआ है शुरू, राज्यकृत नागरिकता प्राप्त करने के ढंग। आज हम बेटे कर लेते उसका ही नेक्स्ट पार्ट है कि राज्यकृत नागरिकता छीनी भी जा सकती है और वो छीन जाने के कौन से ढंग है, मेथड्स ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप, ये है बेटे आज हमारा क्वेश्चन। देखो कौन कौन से कारण हैं बेटे, जिस तरह से नागरिकता प्राप्त करने के बहुत से कारण थे उसी तरह से छीनने के भी बहुत से कारण हैं। सबसे पहले तो विवाह ही है। विवाह मतलब अगर कोई स्त्री किसी विदेशी से शादी कर लेती है ना तो उसको अपने पति की नागरिकता तो मिल जाती है लेकिन उसके अपने देश की नागरिकता उससे छीन ली जाती है। इसी तरह से बेटा अगर जैसे जापान में है, जापान की स्त्री से शादी करने के बाद उस व्यक्ति को जापान की नागरिकता मिल जाती है लेकिन उस व्यक्ति से उसके अपने देश की नागरिकता छीन ली जाती है। तो जो मेथड बेटे नागरिकता प्राप्त करने का है वही छीन लेने का भी है। सेकेंड है त्याग पत्र द्वारा। त्याग पत्र मतलब रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन मतलब रिज़ाइन करके भी अगर कोई नागरिक एक देश की नागरिकता छोड़ना चाहता है तो बेटा वो रिज़ाइन कर सकता है और मतलब लिख कर दे सकता है कि सरकार उसकी नागरिकता को रद्द कर दे, तो सरकार फिर उसकी नागरिकता को ख़त्म कर देती है। तीसरा कारण है लंबी अनुपस्थिति। जैसे कोई जो नागरिक है, कोई जो मतलब ऐसा व्यक्ति है जो काफ़ी लंबे समय से अपने देश से अनुपस्थित है, गैर हाजिर है, वो अपने देश में नहीं रह रहा तो उसकी नागरिकता भी सरकार उससे छीन लेती है। चौथा बेटे कारण है दोहरी नागरिकता। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बार जन्म स्थान के आधार पर और रक्त संबंध दोनों के आधार पर व्यक्तियों को दो नागरिकताएं मिल जाती हैं लेकिन एक व्यक्ति एक ही समय पर बेटे दो देशों का नागरिक कभी भी नहीं बन सकता। इसलिए बच्चे उसे अपनी इच्छा अनुसार जब वो 18 वर्ष का हो जाता है तो एक देश की नागरिकता उसे छोड़नी ही पड़ती है। पाँचवा पॉइंट है बेटे गोद लेने से। गोद मतलब अगर कोई बच्चे को विदेशी गोद ले लेता है तो उस बच्चे को किसकी नागरिकता मिल जाती है, नेचुरल है बेटे उसके नए माता पिता की नागरिकता उसे मिल जाएगी लेकिन जिस देश का वो पहले नागरिक है ना वो नागरिकता उससे छीन ली जाएगी। सिक्स पॉइंट है बेटे पराजित हो जाने से। जब किसी देश को हराकर दूसरा देश उस पर अधिकार कर लेता है तो नेचुरल क्या है बेटे, पराजित देश के नागरिकों से अपने जो पुरानी नागरिकता है ना जिस देश के वो नागरिक थे वो छीन ली जाएगी और उन्हें कौन सी नागरिकता मिल जाती है, जिस देश ने उन पर अधिकार किया होता है। सेवन्थ पॉइंट है बेटे विदेश में सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने से। मान लो बच्चे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे दूसरे देश में सरकारी नौकरी मिल गई है तो उसे उस देश की नागरिकता मिल जाती है ना, तो उससे उसके पहला देश जो है जिस देश का वो नागरिक था वो अपनी नागरिकता उससे छीन लेगा क्योंकि सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद बेटा उसकी वफादारी बदल जाती है, वो उस देश के प्रति वफादार हो जाता है जहाँ पर वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता है। आठवां पॉइंट है बेटे देशद्रोह के कारण। हर देश के अपने देश के प्रति वफादार होना हर नागरिक की पहली विशेषता होती है लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने देश से गद्दारी करता है तो देशद्रोह करता है तो उससे उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। नाइन्थ पॉइंट है विदेशी सरकार से अगर सम्मान प्राप्त कर ले या कोई मेडल प्राप्त कर लेता है तो ऐसा करने से पहले उस व्यक्ति को पहले अपनी सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी सरकार की स्वीकृति से दूसरे देश से सम्मान प्राप्त कर लेता है तो बेटे उसकी नागरिकता फिर उससे छीनी नहीं जाती लेकिन अगर गैर हाजिरी में मतलब उससे पूछे बिना ऐसे करता है तो उसकी नागरिकता भी उससे छीन ली जाती है। दूसरे देश को प्रवास कर जाने से मतलब दूसरे देश में जाने मतलब चले जाने से एक अपने देश को छोड़कर बहुत से लोग जो है आजकल दूसरे देशों में चले जाते हैं और वहाँ पर परमानेंटली बेटे रहना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में ना उनसे अपने देश की नागरिकता है जो वो छीन ली जाती है और फिर वो उस देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं जहाँ पर वो रह रहे होते हैं। तो ये थे बेटे कि राज्यकृत नागरिकता जो प्राप्त की है वो छीनी भी जा सकती है और वो कौन से तरीके हैं जिनसे राज्यकृत नागरिकता छीनी जा सकती है, ये आज हमने क्वेश्चन किया है मेथड्स ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप। ओके बेटा।